आज हम सबसे पहले जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर सीखेंगे और फिर एक बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ सबसे पहले पैकेज डिटेल्स लिखना होता है। तो देखते हैं पैकेज क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर में हमारे फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए हम फोल्डर्स का यूज़ करते हैं, उसी तरह से जावा में क्लासेस, इंटरफेसेस और बाकी के जितने भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है उनका ग्रुप क्रिएट करके हम पैकेज में स्टोर करते हैं। इसका मतलब है जावा में पैकेजेस फोल्डर का काम करते हैं। तो अगर दो फाइल्स का नाम अगर सेम है या दो क्लासेस का नाम अगर सेम है तो हम उसे फोल्डर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने java.sql पैकेज यूज़ किया है तो डेट क्लास का मतलब होगा कि ये डेट SQL डेटा टाइप के रिलेटेड है। और अगर हम java.util पैकेज का यूज़ करते हैं तो हम ये समझेंगे कि ये डेट सिस्टम यूटिलिटी के रिलेटेड है। यानी पैकेजेस का यूज़ करके हम क्लासेस का कन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हैं। पैकेजेस दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन या यूज़र डिफाइंड। बिल्ट इन पैकेज मतलब जो जावा ने प्रोवाइड किए हुए पैकेजेस है, और यूज़र डिफाइंड पैकेज मतलब जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है। जावा के प्रोग्राम में पैकेजेस को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होता है इम्पोर्ट कीवर्ड, जैसे कि इम्पोर्ट java.util.star या फिर इम्पोर्ट java.util.date। यहाँ स्टार का मतलब है ऑल क्लास फाइल्स, यानी java.util पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस, और java.util.date का मतलब है java.util पैकेज में जो डेट क्लास है उसे हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। util पैकेज मेन पैकेज जावा का सब पैकेज है। पैकेज डिटेल्स के बाद अब इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं क्लास ब्लॉक। यहाँ ब्लॉक का मतलब होता है ओपन कर्ली ब्रेस और क्लोज कर्ली ब्रेस, जिसमें हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। यहाँ ये ब्लॉक स्टार्ट होने के पहले हमने लिखा है क्लास नेम। ये क्लास नेम हम कोई भी लिख सकते हैं। जावा में बिल्ट इन क्लासेस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और कैमल नोटेशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैनर जहाँ एस कैपिटल है, बफर रीडर जहाँ बी कैपिटल है, इनपुट स्ट्रीम रीडर तो आई कैपिटल है, इस तरह से। यानी ये सारे क्लासेस के स्टार्टिंग लेटर कैपिटल देख रहे हैं। अब कैमल नोटेशंस यानी क्या, कि अगर इस क्लास नेम में एक से ज्यादा वर्ड है तो उनके हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि बफर रीडर का आर कैपिटल है, इनपुट स्ट्रीम रीडर यहाँ तीन वर्ड्स है तो एस और आर जो आगे के वर्ड्स है उनके लेटर्स कैपिटल है। क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स को सपोर्ट करता है, हमें यहाँ पे वेरिएबल और मेथड जो भी लिखेंगे क्लास के अंदर लिखना होगा, बाहर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ इंट एक्स और वाई लिखा है, इन वेरिएबल्स के पहले अगर हम स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो इन वेरिएबल्स को हम कहेंगे फील्ड वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल। इसी तरह मेथड्स या फंक्शंस के पहले भी अगर स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो उन्हें नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड कहा जाएगा। स्टैटिक मेथड्स या वेरिएबल्स हम जावा में क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं, यानी इनके कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अपोजिट अगर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल या फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कंपलसरी हो जाता है। अब जावा का बेसिक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ इम्पोर्ट java.lang.star जो पैकेज डिटेल्स है वो लिखा है, लेकिन ये लिखना ऑप्शनल है क्योंकि java.lang पैकेज जावा क्लासेस यूज करने के लिए डिफॉल्ट पैकेज है। अब यूजर डिफाइंड क्लास के लिए हमने नाम लिखा है मेन क्लास, जिसका स्टार्ट लेटर कैपिटल है, और नेक्स्ट वर्ड क्लास का भी स्टार्ट लेटर कैपिटल लिखा है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें कंपाइल एरर नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से लिखना रिकमेंडेड है क्योंकि हम इस क्लास को जावा कोड के साथ लिख रहे हैं, तो जावा के बिल्ट इन क्लासेस की तरह लिखना उचित होगा।
अब हमने यहाँ जो मेथड लिखा है वो है मेन मेथड, जहाँ से जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि क्लास में भले बहुत से मेथड है, लेकिन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन मेथड से, और हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड एक ही होता है। इस मेथड को पब्लिक और स्टैटिक लिखना कंपलसरी है। स्टैटिक लिखने से ये होगा कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना होगा, और अगर इसे पब्लिक नहीं लिखेंगे तो उसे सिर्फ पैकेज के मेंबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। और JVM के लिए ये स्टार्ट मेथड है, तो JVM उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ void का मतलब है कि मेन मेथड में आइदर हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, और अगर हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है तो उसके साथ हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। मेन मेथड में एक पैरामीटर दिख रहा है जो है स्ट्रिंग ARG। ये ARG वेरिएबल का नाम है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ARG लिखना कंपलसरी नहीं, इसके बदले हम XY कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये मेन मेथड का पैरामीटर है, हम इस पैरामीटर को कहेंगे कमांड लाइन पैरामीटर। इस आर्गुमेंट और पैरामीटर को कमांड लाइन से वैल्यू मिलेगा, यानी कि हम जहां से प्रोग्राम रन करेंगे वहां से इसे वैल्यू सप्लाई करना होगा। system.out.println कमांड डिस्प्ले के लिए यूज होता है। यहां सिस्टम क्लास का नाम है जो लैंड पैकेज में स्टोर है, और आउट सिस्टम क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेंबर लिखा हुआ है। अब क्योंकि हम आउट से println मेथड को कॉल कर रहे हैं, जाहिर है कि आउट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नेचर स्टैटिक है। ये आउट ऑब्जेक्ट java.io.printStream क्लास का है। अब इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। जावा का कोड हम यहाँ पे नोटपैड में लिख रहे हैं, हम किसी जावा एडिटर में भी लिख सकते हैं। अब इसे सेव करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेन क्लास डॉट जावा, लेकिन इसे हमेशा क्लास नेम से सेव करना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा क्लास पब्लिक है तो ये ज़रूरी हो जाता है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। यहाँ से हमें अपने फोल्डर में जाना होगा। अब लिखेंगे जावा सी, मतलब जावा कंपाइलर। ऐसा करने से क्या होगा, हमें मिलेगा डॉट क्लास फाइल। ये क्रिएट हो गया यहाँ पे मेन क्लास डॉट क्लास। अब इसे रन करने के लिए हमें लिखना होगा जावा। ये क्या करेगा, हमने इसके आगे जो क्लास फाइल नेम लिखा है उसे इंटरप्रेट करेगा। इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि हम डॉट क्लास यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ क्लास फाइल का नाम ही लिखना है। अब क्योंकि हमने हमारे प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज किया है, हमें इसके आगे उस वैल्यू को सप्लाई करना होगा। इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए डबल कोट यूज किया है। यहाँ हमने डबल कोट कमांड लाइन के लिए यूज नहीं किया। इसका मतलब डबल कोट यूज करने से वो कमांड लाइन के लिए सिंगल वैल्यू होगा।